हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप सीखा था और होमोलोगस सीरीज सीख चुके हैं, एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं इनके बारे में सीख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग कैसे की जाएगी। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी देखा था। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले जो आप काम करोगे वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मदर चेन या रूट चेन या रूट वर्ड। ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, माने जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वो हमारी मदर चेन होगी। अब आप कहोगे साहब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो कि उसमें किस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन है और उसको लिखो कैसे। जैसे आपने पढ़ा है कि एक कार्बन है तो एथ दो है तो मेथ, सॉरी एक कार्बन है तो मेथ दो है तो एथ तीन है तो प्रो, जो आप सीखो वही लिखना है। जैसे फाइव है तो पेंट आप लिख दोगे, सी फाइव है किसी चेन में तो पेंट हो गया मदर चेन। अगर सी सिक्स है तो आपने मदर चेन के रूप में हेक्स लिख दिया, अगर सी सेवन है तो आपने हेप्ट लिख दिया। अब उसके बाद इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप जोड़ोगे सफिक्स। सफिक्स की दो कैटेगरी रखोगे, फर्स्ट सफिक्स जो जोड़ोगे वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चेन पर। नेचर ऑफ चेन का मतलब हुआ कि अगर उस कार्बन कंपाउंड की मदर चेन में सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सफिक्स एन जोड़ दोगे तो उसका नाम हो जाएगा एल्केन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? एल्केन। अगर उसमें सिक्स कार्बन है तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन हो जाएगा। अब अगर उसमें मदर चेन के कार्बन्स के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड है तब आप ईन जोड़ोगे, और मदर चेन के कार्बन्स के बीच कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ोगे। माने इफ ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन ऑफ मदर चेन देन एन, इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड देन ईन, एंड इफ देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड देन आइन, एंड इफ डबल एंड ट्रिपल बोथ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मदर चेन देन बेटा ईन प्लस आइन दोनों लिखा जाएगा। अल्फाबेट में ई पहले आता है, ईन पहले लिखा जाएगा, और आइन बाद में, वाई बाद में आता तो आइन को बाद में लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी जो सफिक्स है नंबर दो पे, वो है बेटा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह हुआ कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब तो वो आपका सफिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सपोज एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जिस फंक्शनल ग्रुप की बच्चों प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, और जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होगी वो आपका प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स नंबर टू में लिखा जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माने जिस फंक्शनल ग्रुप की उस कंपाउंड में प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का जो आएगा वो तभी आएगा जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब वो सफिक्स ही लिखा जाएगा बच्चों। अब आइए इस मदर चेन से पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की कैटेगरी बच्चों होगी थ्री। फर्स्ट है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि मैंने कहा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे आप लोग जब सेकेंड फंक्शनल ग्रुप को दो तरह से नेमिंग करते थे, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। जैसे हम बात करें अगर एल्कोहल की, तो एल्कोहल को बेटा जब सफिक्स लिखोगे तो लिखोगे ऑल, और जब इसको प्रीफिक्स लिखोगे तो लिखते हैं हम लोग क्या हाइड्रोक्सी।
ये ऐसे मैं बता रहा हूं, ये बात है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में ज्यादा है तो वो सफिक्स लिखा जाएगा, अगर उसकी प्रायोरिटी कम है तो प्रीफिक्स लिखा जाएगा। अब देखिए बेटा, तो प्रीफिक्स के रूप में सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, नंबर टू पर जो लिखा जाएगा वो हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स का मतलब जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है बच्चों तो ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो आयो। और याद रहे अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे तो वो अल्फाबेट में लिखे जाएंगे। इसके सीक्वेंस में लिखे जाएंगे बच्चों, अल्फाबेट। अब नंबर थर्ड जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बच्चों एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और वो भी अल्फाबेट के आर्डर में। तो हमेशा याद रखिएगा अल्फाबेट के सीक्वेंस में एक से ज्यादा अगर एल्काइल ग्रुप पर लिखे जाएंगे, एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो लिखे जाएंगे अल्फाबेट के सीक्वेंस में, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, कभी भी अल्फाबेट आपको हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप पे नहीं कंसीडर करना है। अल्फाबेट जो कंसीडर होगा वो सेम स्पीसीज में होगा, वेन मोर देन वन एल्काइल ग्रुप देन दे आर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इफ मोर देन वन हाइड्रोजन देन दे आर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी एल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन से पहले लिख देंगे, भले वो अल्फाबेट को पहले आता हो, लेकिन जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा यही रहेगा सेकेंडरी। तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास दो चेन आ जाए, एक एलिफैटिक चेन आ जाए और एक क्लोज चेन आ जाए, माने एक ओपन चेन हो और एक क्लोज चेन हो, तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन होंगे बच्चों उसको हम लोग लेंगे मदर चेन। तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए आप लोग, इफ बोथ चेन, बोथ चेन का सेंस है ओपन एंड क्लोज चेन, प्रेजेंट टूगेदर, प्रेजेंट टूगेदर माने एक साथ हो, एंड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ओनली इन वन चेन, then such chain is taken as mother chain। मतलब अगर हमारे पास बेटा ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों हो तो जिस चेन में ज्यादा कार्बन होंगे वो हमारी मदर चेन हो, जिस चेन में ज्यादा कार्बन होंगे मदर चेन हो। अब दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों हो लेकिन किसी एक चेन में फंक्शनल ग्रुप हो, भले ही उस चेन में कार्बन कम हो, तो जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा भले ही उसमें कार्बन कम होगा वो हमारी बेटा मदर चेन होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल एक करते हैं हम लोग, जैसे बच्चों ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देखिए कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द 5 कार्बन चेन, मीन्स इस चेन का जो रूट होगा, जो मदर होगी, मदर चेन जिसको बोलोगे वो कितने कार्बन के बेटा 5 कार्बन। तो क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेन, तुम्हारे आपने सबसे पहले लिख दिया पेन प्लस पहला सफिक्स, ध्यान दीजिएगा पेन
फर्स्ट सफिक्स लिखना है। अब आप डिसाइड करोगे कि इस कार्बन चेन की नंबरिंग किधर से करी जाए। अगर हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड से करते हैं तो 1-2 पर डबल बॉन्ड है, राइट हैंड से करते हैं तो 2 पर हैलोजन है। हमने कहा कि डबल बॉन्ड और हैलोजन में प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे। नंबरिंग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी 1-2-3-4-5, ये 5 कार्बन की चेन हो गई जिसके कार्बन नंबर 4 पर बच्चों ब्रोमीन है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जिन दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा जो उनका लोअर नंबर होगा लिखा जाएगा। तो 5 कार्बन की मदर चेन हो गई जिसके कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो 5 के लिए आपने लिखा पेन और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा आपने इन, पेन प्लस 2 इन, और कोई सफिक्स नहीं है। यहां पर एक प्रीफिक्स नजर आ रहा है बच्चों, और वो प्रीफिक्स कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कौन, बीआर। बीआर के लिए क्या लिखा होते हैं, ब्रोमो। किस कार्बन से जुड़ा है, 4, तो इसका नाम हो गया 4-ब्रोमो। अब किस तरह से इसका कंपाउंड का जो आईपीएससी नाम बनेगा बच्चों, वो बनेगा 4-ब्रोमो-पेन-2-ईन, 4-ब्रोमो-पेन-2-ईन, ये इसका आईपीएससी नाम होगा बच्चों। नोट कर लो इसको। एक दूसरा कंपाउंड देखते बेटा, एक कंपाउंड ये बच्चों, इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 1-1-2-3-4-5-6, 6 कार्बन के लिए मदर चेन हो गई हेक्स प्लस। अब बेटा इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेफ्ट हैंड से नंबरिंग करा जाए तो 2 पर डबल बॉन्ड है, राइट हैंड से करा जाए तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड को देना है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। अब देखो बेटे, इसके कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखना है, और डबल बॉन्ड जुड़ा है 2 से तो 2-ईन सफिक्स हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई लिखना है, आई जुड़ा है 4 से 4-ईन हो गया। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्स 2-ईन-4-ईन, 2-ईन-4-ईन, हेक्स 2-ईन-4-ईन। ये नोट कर लो बच्चों।